हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल अभी मैं हूँ अपने ऑफिस में और यहाँ पर टेक वीडियो शूट हो गया, सारे कुछ हो गया, बस इवनिंग तो घर में होगा। अभी जाना है घर और कुछ घर में लेकर फंक्शन होगी। फंक्शन मतलब थोड़ी बहुत, जो आपको पता होगा अभी चल रही है हर घर तिरंगा की, तो मैंने भी कल फ्लैग वगैरह लेके आया जो कि इंडियन फ्लैग है, तो आज जाके उसको मैं अपने घर पे लगाऊंगा। और इसका जो एक फुल ब्लॉग आएगी 15 अगस्त को, 15 अगस्त को सेलिब्रेशन होने वाली, जो कि मेरे आज में ट्यूशन के बच्चे लोग सारे मिलकर कर रहे हैं, तो वो आपको मिलेगी 15 अगस्त, यानी 16 अगस्त आपको देखने मिलेगी। 15 अगस्त को सारे को सेलिब्रेशन होगा, तो उसके लिए वेट कीजिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट आने वाली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग सोचा हुआ जैसा ऐसा करेंगे। चलिए देखा जाए कितना चीज सक्सेस होती है नहीं होती है। याद दिला दिखा हम लोग घर, और घर में जो मैंने छोटा तिरंगा लाया उसको मैं लगाता हूँ घर में, और यही है कुछ आज के ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो क्या करना, आपको सिंपली वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है। अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का ऑसम ऑसम कंटेंट हमेशा आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती है और काफ़ी जन एंजॉयमेंट आता है। तो देखिए इस तरह का कुछ है मेरा जो स्टूडियो है, अगर आपने देखो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स उनको पता होगा ये चीज़ है, रिंग लाइट वगैरह। यहाँ पर एक्चुअली रिंग लाइट लगा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जस्ट अभी एक थंबनेल शूट करवाया, तो वो आपको टेक चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ ऐसा लगा हुआ है, अभी फिलहाल लाइन तो है, और इधर सब जगह लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, बट हमारे यहाँ पर लाइट ठीक है फिलहाल, क्योंकि आप अगर सिंधरी को तो पता होगा सिंधरी में लाइट 3 दिन से लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बट हमारे यहाँ फिलहाल अभी तो सही है, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ये है कुछ बाहर का नज़ारा देख पा रहे हो, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट लोकेशन है, मैं हमेशा से करता हूँ यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं हम लोग घर। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया गया 9 बजे, तो 9 बजे से सारे कुछ अभी जगह कंप्लीट हुआ। अभी टाइम हो रही है 11:30। जी हाँ, मतलब 2-2.5 घंटा लग गया सारे कुछ एडिटिंग वगैरह करने में, वीडियो शूट करने में सारी चीज़, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता होगा टेक वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगी थी शूट करने में, उसको एडिट करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगी, तो क्लैरिटी में जाकर घर में कर लूँगा। चलिए यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं घर, घर में फिर आपसे मिलता हूँ। मैं यहाँ देखिए बांस रखा हुआ है, और यही बांस में होगा जस्ट यहाँ पर हम लोग मनाने वाले, इस जगह पे ऐसे गड़ा जाएगा पूरा ऊपर तक। तो ये तो फिलहाल आपको 15 तारीख को देखने मिलेगी, और अभी जस्ट और एक छोटा बांस है, उस बांस से करते हैं हम लोग, जो घर का मेरे द्वार के पास है वहाँ पर एक झंडा लगाते हैं, जो कि छोटा सा झंडा लाया हुआ है, तो उसको लगाते हैं वहाँ पर। फिलहाल बुलाया मेरे स्टूडेंट को, आने दीजिए उसको, उसके बाद उसको लगा के फिर वहाँ पर हम लोग आएंगे। बता तो बोल सी ना अनेक बड़ो जेठा रहे, छोटो दे देखो बेसी घर बेसी दूर होते देखो आज से भी नीचे तरफ। तो चलिए फिलहाल चलते हैं नीचे में। हाँ फिलहाल झंडा के पहनाते हैं और जस्ट इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, इस जगह पे सही रहेगा। और जो मेन ब्लॉग मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जो मेन ब्लॉग है आपको 15 को देखने मिलेगा, 15 को एक्चुअली जो झंडा फहराएंगे हम लोग 15 को करेंगे। तो फाइनल देख पा रहे झंडा तो यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब सिंपली इसको बांधना है वहाँ पर, धीरे फटाफट से इसको लगाते हैं, और मौसम भी ख़राब कर चुकी है, शायद पानी भी गिरेगी, इसको हम लगाते हैं। हम लोग यहाँ पर गेट के पास लग जाएंगे। यहाँ देखिए नैना भी उठ गई है सोकर, वो करेगा अभी कौन जी, और यहाँ पर चल रहा काम, अभी फिलहाल इसको लगाते हैं यहाँ पर। चलो 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 झंडा लगाएंगे, झंडा लगाएगी झंडा। हाँ কথায় ডা খুঁজবি চকলেট ফকলেট ডা सो फाइनल डिसीजन हम लोग इसको ऊपर करेंगे, क्योंकि नीचे मारने का सही तरीके से जगह नहीं हो रही थी, अब इसको हम लोग करते हैं ऊपर में यहाँ पर। हाँ देखना क्या बंद देखना आप दिया चीज़ थी বাজা আছে কাকু ওর কাছে দেখি না বললো না দুটো জেবিএল তো বলবো জেবিএল ছোট বালাই লা দিছে কা স্যার তোমাদের পারে যে মানে ছিল না কাকুর বড় কাকুর বিয়ে ফার্স্ট মানে ভাব খাবার দিনে এম নিতে বলবো ও মাইক তো বলে দিবে একবার মনে করে। सो फाइनली हर घर तिरंगा मिशन सक्सेसफुल। एक दिन मैं लेट हो गया, 12 तारीख से स्टार्ट था, बट कोई दिक्कत नहीं, आज 13 तारीख, आज मैंने फाइनली लगा ही दिया इसको, काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है देख पा रहे हैं। अभी फिलहाल हवा नहीं चल रही है, अगर हवा चली गई तो ये काफ़ी ज़्यादा उड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा आप देख पा रहे हैं। हमारा फ्लैग इतना अच्छा है कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, ये देख पा रहे हैं बसों का चक्कर, काफ़ी ज़्यादा सही है। फिलहाल अभी हवा नहीं चल रही है, अगर हवा चलेगी तो और ज़्यादा सही लगेगी।
फिलहाल टाइम हो चुकी है 12:30 और अभी मैं जाता हूँ नहाने के लिए। उसके बाद मैं आपको शाम को दिखाऊंगा काफ़ी ज़्यादा इसका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा सही लगेगी। अभी तो फिलहाल आपने लुक देख लिया और सही लग रही है, अभी भी सही लग रही है, बट अभी हवा नहीं चल रही है, हवा चलेगी तो और ज़्यादा सही लगेगी। सो फिलहाल अभी टाइम हो रही है 6:00 और जस्ट अभी ट्यूशन ऑफ हुई। एक्चुअली ट्यूशन में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि जो मैंने बताया 15 अगस्त को कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है, कुछ अच्छे फंक्शन वगैरह होने वाले हैं तो सारी कुछ डिस्कस कर रहा है। कल एक्चुअली मैं घर में नहीं रह रहा हूँ, कल मुझे जाना है रघुनाथपुर, उसका ब्लॉग भी आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सारे कुछ आपको उस ब्लॉग में देखने मिलेगा, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि डेली ब्लॉग आपको मिल रही है। और इसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, 1 महीना बाद कहीं लॉन्ग टूर में जाने का प्लान है, तो वो लॉन्ग टूर वाला प्लान भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी सुनने को कि कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, सब कुछ, जो कि नेक्स्ट मंथ का 7 महीने का है। तो हम देख पा रहे हैं सामने पर भी झंडा लग रहा है, वहाँ देखिए एक लड़की है, छोटी बच्ची है, वो मेरी भतीजी ही लगेगी। देख पर वो झंडा तब से परेशान है, झंडा को लगा रही बेचारी, बट झंडा उसका गिर जा रहा है क्योंकि दो देख पा रहे ईटा दे रही है। बट चलिए, जो झंडा लगाने का जो दिल में है वो चीज़ रहना जरूरी है, चलिए तो लगा रहे। बाकी आप पूरे गांव में देखोगे कहीं नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक मेरे घर में लगा हुआ है और बाकी उधर से पूरे गांव में आप देखोगे कहीं किसी घर में नहीं लगा, किसी ने भी नहीं लगाया, खासकर ये लगा रहे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखकर। जितनी छोटी बच्ची को भी ये सब चीज़ के प्रति केयर है और रहना भी चाहिए क्योंकि यही लोग हमारे देश के यूथ है और इनको ये सब चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, पता नहीं अब ब्लॉग कितनी लंबी बनी, ब्लॉग मैं करता हूँ यहीं पर एंड क्योंकि इसके बाद और कुछ दिखाने वाला चीज़ है नहीं। अब मैं जाता हूँ, थोड़ी बहुत गाड़ी मुझे वॉश करनी पड़ेगी क्योंकि कल सुबह ही निकलना है, 7-8 बजे के बीच हम लोग निकल जाएंगे, पूरी फैमिली जा रहे हैं, तो जिसका भी गाड़ी वॉश करना है तो निकलते हैं, गाड़ी वॉश करते हैं और देखते हैं जो भी होता है। कल मिलते हैं फिर डायरेक्ट आपको ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।